नीतीश कुमार जी, आप जहाँ रहिएगा मैं वहाँ रहूँगा, आपका मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कि आज के समान जो नेता लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, उतना गड़बड़ आदमी नीतीश कुमार नहीं है। उनको दो चार पांच आदमी लोग कान में कुछ बात बोल देते हैं तो लगता है कान का पतरा आदमी है, इसलिए उन लोगों के बात में आकर के कुछ गलत काम भी कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमारे साथ बात आई तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी में मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। तो हम पार्टी में मर्ज करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों का एक आशा की पार्टी है और गरीब की ही बात करती है। इसलिए हम कहा हम पार्टी मिलन नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, बाहर जाना स्वीकार किया। अब उदाहरण हम देना चाहते हैं कि आज दो तीन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हम उनके साथ भी रहते थे, तो आप लोगों के साथ शेयर करते थे, बोलते थे कि नीतीश कुमार गड़बड़ कर रहे हैं, और उस समय उन्होंने नहीं सुना। और आज जब हम अलग हैं तब तो उसको मुखर रूप में करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये करना चाहते हैं कि उनकी बालू नीति बहुत ख़राब नीति हो गई है। आज हमारा इमामगंज, डुमरिया, बाराचट्टी, मोहनपुर या सैफगंज या और सब लोग हैं, नदियों से इतने बालू ले लिए गए हैं कि आज नदी जो एक फीट पानी आने पर खेतों में पानी जाता था, आज तीन फीट पानी आएगा, चार फीट पानी आएगा तब खेतों में पानी जाएगा। तो हमारे किसान यहाँ पर सब गरीब हैं, बेरोजगारी उन्हीं के साथ है, इसीलिए किसान के बेरोजगारी दूर करने के लिए, उनके खेती का उपज बढ़ाने के लिए हम इनका विरोध किया। कि उनको हमने कहा था यहाँ का किसान का उत्थ होना चाहिए, मैं भी उसका ये हूँ कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब बंद होने के नाम पर जो बड़े बड़े शराब करने वाले जो माफिया हैं वो सब बच रहे हैं, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, ऑफिसर लोग अरबपति हो रहे हैं, और जेल जा रहा है कौन, जो एक लवनी तारी पीता है या पावर दारू पीता है वो आज जेल में बंद है। आज 70% वैसे लोग जेल में बंद है जिसको कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है। इसके बारे में उनको हम कहा करते थे कि आप इस पर विचार कीजिए, लेकिन होते हैं कि लोग नक्सलाइट हो जाए। तो ये भी मुद्दा हम प्रायः उठाते रहे कि हमारे लोग नक्सलाइट नहीं है, नक्सलाइट आप बना दिया है, उसको इज्जत नहीं देते हैं, उसको पेट नहीं भरते हैं, उसके बच्चों को शिक्षित नहीं देते हैं, तो क्या आखिर उनको करना होगा।